विक्रमा जीत के पास रहते सहते 12 साल का समय बिता दिया सजनों। जब 12 साल पूरे हुए वो हंस राजा वीर विक्रमाजीत के पास गए। हे महाराज, आपके शरण में 12 साल बहुत बढ़िया तरीके से बीते हमारे दिन, और इब तो हमने इजाजत दे दो। अरदास करी, प्रार्थना करी, राजा वीर विक्रमाजीत कहते हैं भाई कुछ और समय अगर रुकना चाहो तो भाई तारीख खुल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इजाजत ले ली सजनों, वो हंस उस राजा वीर विक्रमाजीत के नाम के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। राम राम और दई नमस्ते, जय श्री कृष्ण राधे श्याम, पूर्व कालिया बूझ रास्ता, स्वरूप कर पुरी का करना धाम, फर 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 ले उदारी, न रस्ते में कोई आया गाम, पात्र नाच गाने हो रे, जड़ में बैठे मांगे राम। जब विश्व बीस का नाम सुनया फिर गर्ज उठे इंदर भोपाल, अंदन के भंडार भरो तर मौज उड़ाई 12 साल। सजनों, विश्व बीस का नारा लगाया, जयकारा लगाया, इंद्र महाराज ने जब वो जयकारा सुनया एकदम तब अपना आसन से खड़ा होके न उड़े जड़त आवाज आई थी, उड़े पहुंच गए अंशों के पास, कह रहे कौन तरह विश्व बीस के उज्जैन शहर के राजा वीर विक्रमाजीत विश्व बीस नोला। अच्छा, विश्व बीस सदनों, विश्व बीस एक उपाधि होती थी जो सिर्फ इंद्र भगवान को मिली थी। फिर कह दिए तारी अंशनी छुटवा के ले जाएगा, फिर मानूंगा वो विश्व बीस है। सजरों, इंद्र भगवान ने उन अंशों की अंशनी खोस ली और उल्टे ता दिए, अंश वापिस आए। हे महाराज, नुनू इंद्र भगवान ने अंशनी खोस ली, अरे क्यों खोसी के आपके नाम का जयकारा लगाया था। नाराज हो गए इंद्र भगवान, अंशनी खोस ले गए। राजा वीर विक्रमाजीत कहते हैं भाई डरने की जरूरत नहीं है, तारी अंशनी मैं लेके आऊंगा। सदनों, प्रण बांध के राजा वीर विक्रमाजीत उज्जैन शहर से चल पड़ते हैं उन अंशों की अंशनी को छुटवाने के लिए। चलते चलते रास्ते में एक तामोल नगरी आई, एक नगरी के बाहर एक शरा बनी, उस शरा में से एक आवाज आई, रुधन करने की आवाज सुनाई दी सजनों। आवाज को सुनकर एकदम से ठिठक गया, उस शरा के दरवाजे की तरफ ध्यान लगाया, ओहो भीतर तो आवाज आई, एक बठियारी अपने छोरे ने नुहावे दुहावे और उसके लाड करे और रोवे। देखना सजनों, एक माँ का और बेटे का प्रेम पंडित मांगे राम जी ने कैसे दर्शाया है, क्या लिखा है, क्या बताया। कवरी तन जाना होगा धर्मराज जाना।
तू अब अपने छोरे के लाड करे के बेटे बस थोड़ा सा समय बाकी है, फिर यो मेल टूटेगा, फिर तू किते जागा मैं किते जांगी। ओह मेरे थोड़े से लाड और बाकी है, मैं मेरे ये लाड पूरे कर लू बेटे। क्या क्या कहती है भोजन खा ले फेर नहीं खाना से तो भी गया जिले कभी तरे और वापस ना आना से जिस जगह तेरा बाप गया तन उस जगह जाना से जिस जगह तेरा बाप गया तन उस जगह सपने होते हैं कि मेरा छोरा बड़ा होगा, फिर इसका ब्याह होगा और फिर बहू आएगी। मैंने भी सपने लिए थे, मैं भी सोचा करती ये चीज बनेगी, लेकिन वो समय नहीं, वो समय गया। क्या अपने मारवा सर्दी अपने
जब मैंने नू पेरा पटका तेरा छोरा इस दुनिया में नहीं रहा, फिर मैं अपने आप को खोलूंगी, मापा खोऊंगी, क्या करूंगी मैं, सुन ले। जख्मी चंद गुरु अपने के मैं शरण है वो ये जब जालेगा ना ठंडा पानी पीऊंगी तेरे मरण के बाद लाडले मरने डगरीना जीऊंगी।